स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 40, विज्ञान क्लास 10 हिंदी मीडियम। कार्बन और इसके यौगिक पिछली वर्कशीट में आप लोगों ने किया होगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राकार्यात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे। तो कार्बन जो है सिर्फ देखिए हाइड्रोजन के साथ ही नहीं जुड़ता है, ये हाइड्रोजन के साथ ही लंबी चेन नहीं बनाता है। ये जो है जो हाइड्रोकार्बन है, अगर उनमें से हाइड्रोजन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह हम हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इन सब के साथ भी ये गठबंधन बनाता है। तो ये बता रहा है इसकी खास बात यही है कि हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सबके साथ आबंध बना लेता है, यानी हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है लंबी लंबी चेन वाली श्रृंखला, लंबी लंबी श्रृंखला है, उसमें हाइड्रोजन भी यहाँ यहाँ लगे होते हैं ना। हम लोगों ने किया था ये सब, आप लोगों ने किया होगा कहीं ना कहीं, तो किया ही होगा ना। तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर इस पूरे चैप्टर पे हम वीडियो लाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में से एक या एक से अधिक अगर हाइड्रोजन को हम निकाल दें और उसकी जगह हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर लगा दें तो एक नया समूह बन जाता है, ठीक है, प्रकारक समूह के अंदर वो कहलाता है। तो ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हम ये लोग ही पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे और निकालने के बाद उसकी जगह हम हेलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकारक समूह है क्या चीज, चलिए हम देखते हैं। ये आपके नाम कुछ दे रखे हैं, विषम परमाणु है ना। विषम परमाणु मतलब कि अलग जाति के, उसको विषम परमाणु कहते हैं ना। ये विषम परमाणु है यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के अलग आ रहे हैं। तो ये कौन से, सबसे पहले क्लोरीन और ब्रोमीन देखते हैं, इसमें एक और आता है आयोडीन भी, ठीक है, वो अभी नहीं है बट आपको बता दे रहे हम। तो ये इस प्रकार ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप। क्या नाम है बच्चों? हेलो ग्रुप बोलते हैं इसको, हेलो ग्रुप। तो क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन जो है अगर जुड़ते हैं तो ये नाम पुकारा जाएगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन के साथ इस तरह से ये जुड़ जाते हैं, यानी एल्केन ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए मैंने मिथेन लिखा तो मिथेन में जो फंक्शन है एक एच हट जाएगा, हाइड्रोजन तीन एच लिख दिए, एक एच हट के इसकी जगह हमने क्लोरीन लिख दिया तो ये कहलाएगा क्लोरो मिथेन, ब्रोमो मिथेन, आयोडो मिथेन। अगर हमने इसकी जगह ब्रोमीन लिख दिया तो क्या कहलाएगा? ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो, ठीक है। तो इस तरह से ये कहलाएगा, क्लियर हो गया। तो पहला हेलो ग्रुप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सेकंड विषम परमाणु अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोकार्बन में, आप ये देख रहे हैं इसमें एक वन साइड में डैश है, इसका मतलब ये लास्ट में ही आएंगे, हाइड्रोकार्बन के लास्ट में आएंगे, ठीक है, श्रृंखला में। अब अल्कोहल क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन विषम परमाणु जो है ना अल्कोहल ग्रुप भी बनाता है। वो कैसे होता है? OH होता है इसका सिंबल और ये भी लास्ट में आता है क्योंकि ये देखिए डैश दिख रहा है ना, इसका मतलब कि ये मान लीजिए श्रृंखला है और यहाँ पे ये OH आपका आ जाएगा। ओ या एच का सिंगल बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नीचे भी, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है हमारा ऑक्सीजन का ही विषम परमाणु है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है CHO, O के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा होगा डबल लाइन और H के साथ सिंगल लाइन है और एक तरफ से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी लास्ट में आएगा, ये भी लास्ट में आ रहा है, ये भी लास्ट में आएगा, ये भी लास्ट में आएगा। थर्ड है ऑक्सीजन का एक और विषम परमाणु कीटोन बनता है, ये ग्रुप के नाम है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। ये क्या है बच्चों? ये सारे ग्रुप के नाम है, ठीक है, ये ग्रुप के नाम है। जो प्रकार में ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन के आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में डैश लग रहा है, इसका मतलब ये लास्ट में तो लगेगा नहीं, ये बीच में लगेगा। इसके लिए यानी कि मिनिमम 3 कार्बन का होना जरूरी है, कार्बन 3 होने बहुत जरूरी है क्योंकि एक कार्बन यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा तभी तो काम होगा। और ये इसका फॉर्मूला है COO के साथ डबल बॉन्ड है। फिर है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का हो गया COOOOH, ठीक है, COOH, एक हो गया डबल बॉन्ड है और एक का OH के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये भी लास्ट में लगेगा क्योंकि यहाँ डैश है, ठीक है।
और ये आपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड द्विआबंध त्रिआबंध दोनों ही पढ़ा होगा। डबल बॉन्ड में दो कार्बन कम से कम चाहिए, कितने कार्बन चाहिए इन दोनों के लिए? इन दोनों के लिए दो कार्बन कम से कम चाहिए। डबल बॉन्ड में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक लाइन और लगा लो यहाँ पे। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप के नाम हो गए और इनके फॉर्मूले हो गए। जो फंक्शनल ग्रुप है यानी प्रकार में ग्रुप है उसके फॉर्मूले हैं, ये पूछ सकते हैं एक नंबर में। तो चलिए हम पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए हेलो ग्रुप का क्लोरीन ब्रोमीन था ना, और ये हाइड्रोकार्बन से जुड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है? ये सीएल। तो तीन कार्बन है तो मिथेन इथेन प्रोपेन, तो कौन सा बनेगा? क्लोरो प्रोपेन नाम है इसका। क्लोरीन से क्लोरो हो गया और ये प्रोपेन है ये, तो क्लोरो प्रोपेन। अच्छा ये एल्कोहल है, ठीक है तो एल्कोहल है आपका, तो ये एल्कोहल हो गया। कितने कार्बन है? तीन कार्बन है, इथेन का है ना, इथेनल बोलते हैं अल में, इथेनल बोलते हैं। यहाँ पे अल ए एल आता है लास्ट में, जो भी पढ़ेंगे तो उच्चारण ए एल आएगा, तो ये होगा इथेनल। क्या होगा? इथे इथे नल नल। तो ऐसे मिथेनल इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल पेंटेनल इस तरह से चलेगा। और ये क्या बोलेंगे हम इसे? क्लोरो। अभी इथेन तीन कार्बन, तो क्लोरो मिथेन क्लोरो इथेन क्लोरो मिथेन इथेन प्रोपेन, तो ये क्या है? अच्छा ये प्रोपेनल है बच्चों, तीन कार्बन है ना यहाँ पे, तो इसको प्रोपेनल बोलेंगे, मिथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है। तो ये प्रोपेनल है क्योंकि तीन कार्बन है। ध्यान रखना आपको कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं उस पर ध्यान देना। तो ये है क्लोरो इथेन मिथेन इथेन प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन और ये मिथेन इथेन प्रोपेन। कितने सी हैं आपको ध्यान रखना, कितने सी पे क्या होता है? अगर सी एक है तो मिथेन होता है, मिथ ग्रुप होता है, मिथ नाम रखते हैं। सी अगर दो है तो फिर इथ नाम होता है। सी अगर तीन है, ये आपको पिछली वर्कशीट में आया होगा, काफी लंबी थी वर्कशीट, ये प्रोपेन होता है। सी फोर पे ब्यूटेन होता है, याद आ रहा है? और सी फाइव है पेंटेन। ब्यूटेन पूरा नहीं लिखना, ब्यूट लिखना है सिर्फ आपको, ब्यूट लिखना है आपको सिर्फ, ठीक है। और ये पेंट है तो इसी से बनेगा ये। और फिर सी सिक्स था हमारा हेक्स, तो हेक्सेन। तो अब ये बताइए कि सी थ्री वाला है ना ये, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरो प्रोपेन। और ये क्या बनेगा? क्योंकि प्रोपेन है तो प्रोपेनल बोलेंगे इसे, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे। और नाउ एल्डिहाइड है ये, तो इनके कई नाम है जो कि आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आएंगे ऐसे सारे, कई सारे नाम आएंगे इसमें, तो आपको वो सारे अभी करने पड़ेंगे, मे बी नेक्स्ट वर्कशीट में आ जाए। तो ये हमने पहले किया था, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, पिछली वर्कशीट में था हमारी। तो फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है कि इन ग्रुप्स को पहचानना है कि ये हेलो ग्रुप के है सिंबल है, ये अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है सिंबल, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक का है, ये द्वि और त्रियाबंध का है, और उससे रिलेटेड मेंबर बनाए गए हैं जिनको समझ में आता है ये। अब ये यहाँ नहीं, यहाँ होगा ये, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये हमें बनाना होगा और कई सारे बनाने पड़ेंगे आपको। हम ये जो है और अच्छे से विस्तार से बताएंगे अपने वीडियोज में, चैप्टर की वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको चैप्टर में लेकर आएंगे। चलिए आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर, इसको पहचानना है हमें। ये देखिए कौन सा ग्रुप है बताइए, सी ओ हमें नजर आ रहा है, हमें सिर्फ ना ये पहचानना है फंक्शन से, ये सी ओ है। तो सी ओ देखिए कहाँ था हमारा, कीटोन में था और ये बीच में है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दो, मतलब दो फ्री है ना, तो इसका मतलब बीच में कहीं आएगा, तो आ रहा है तो बीच में, तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप है। अब इसमें ओ एच से पहचानिए कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप है, ओ एच तो एल्कोहल में ही था, ये ओ एच, ये इकट्ठे लिखिए आप इसे ओ एच, ठीक है, इस तरह से लिखिए ये, तो ओ एच है ये, इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर डैश आ गया, तो ये अल्कोहल ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए सी एच ओ, सी एच ओ कौन सा था बच्चों आपका, ये था ना एल्डिहाइड वाला, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और सी ओ ओ एच वाला आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये देखिए ये रहा, तो सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सी ओ के साथ डबल बॉन्ड होता है, ओ एच के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, ये हेलो ग्रुप के जो हमने क्लोरीन ब्रोमीन बताए हैं। आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये पता होने चाहिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, द्विआबंध त्रिआबंध, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में OH का सिंगल है, O का डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से इसमें काफी चीजें याद करने वाली हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। बताइएगा आप लोग कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है कौन से फंक्शनल ग्रुप के हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइएगा वीडियो में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।